सारा जुहेब से शादी तो कर लेती है लेकिन जुहेब के साथ खुश नहीं रह पाती है, जिसकी वजह से अपनी माँ को आकर कहती है कि जुहेब से शादी तो कर दी है मैंने। उसकी माँ कहती है कि तुम मुझे खुश नहीं लग रही, क्या बात है, जुहेब ने तुम्हें कुछ कहा है, तुम्हारी कोई लड़ाई हुई है जुहेब से? तो कहती है कि वो लड़की कैसे खुश हो सकती है जिसको मुँह दिखाई वाले दिन ही एक दिन बेटी गिफ्ट मिली हो। तो आगे से वो कहती है कि तुम्हें सब सारी बातों का इलम था पहले ही, तो अब इस बात पर मुँह बनाने का फ़ायदा, और जुहेब भी अब आयशा के लिए उसे रखने पर तैयार हुआ है। उसने आयशा की वजह से उससे शादी की, और महानूर से कहता है कि तुमने अभी तक आयशा को तैयार क्यों नहीं किया, आयशा को तैयार करो, आयशा सारा के साथ ही जाएगी। तो सारा चौंक जाती है और कहती है कि मैं आयशा को साथ लेकर जाऊंगी, सामने दिखावा कर रही है कि बहुत अच्छा है, आयशा से बहुत ज़्यादा प्यार जता रही है, लेकिन पीठ पीछे उससे काफ़ी ज़्यादा नफरत करती है वो, और अपनी माँ से भी कहती है कि वो नहीं रह सकती इस हालत में, आयशा को संभाले वो। जबकि उसका बाप भी कहता है कि तुम दोनों को मैंने समझाया था और तुमने भी जाकर काफ़ी ज़्यादा समझाया था सारा को, लेकिन सारा की ज़िद थी जुहेब से शादी करना, अब कर लिए तो अपने भाई भी। चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।